नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Redmi Note 10T 5G फ़ोन की। दोस्तों जी है मेरे पास Redmi का Note 10T 5G, जिसमें दोस्तों आपको 5G प्रोसेसर मिलता है और दोस्तों जी प्रोसेसर है डायमंड सिटी की तरफ से है। दोस्तों आज मैं आपके सामने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस फ़ोन में दोस्तों हमें क्या क्या मिलता है और ये फ़ोन दोस्तों आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। वैसे दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है अभी, लेकिन और आपने दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग भी काफ़ी पहले देख चुकी होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे पास ये फ़ोन आया है तो मैं आपके सामने आज फिर से एक इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो है मेरे पास Redmi Note 10T 5G का बॉक्स, ये देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी की हाईलाइट की। तो इस साइड में लगा हुआ है Redmi Note 10T 5G, क्योंकि दोस्तों ये एक 5G फ़ोन है। वैसे तो 5G इंडिया में आया नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों जब आएगा तो आप इसमें 5G का यूज कर सकते हो। दोस्तों इसके अंदर दिया गया है हमें MediaTek का Dimensity 700 का प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 7 nm पे बना हुआ है और 5G रेडी फ़ोन है ये। इसमें दोस्तों आपको 19 Hz की फुल HD वाली दोस्तों डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है। बट दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये IPS डिस्प्ले है, ये AMOLED डिस्प्ले नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अंदर दोस्तों आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक में, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो 48 MP का है। 5000 mAh की इसमें बड़ी बैटरी दी गई है। साथ में दोस्तों आपको इसमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और बॉक्स के अंदर मिलता है दोस्तों आपको 22 वाट का एक फास्ट चार्जर। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 8 MP का सेल्फी कैमरा। दोस्तों ये है इसके कुछ हाईलाइट। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों इसके बाद मेरे पास है ग्रीन कलर, जो कि दोस्तों 6GB और 128GB वाला वेरिएंट है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये मेड इन इंडिया है। दोस्तों वैसे मैंने इसको ओपन भी कर दिया काफ़ी टाइम पहले और इस फ़ोन को यूज भी कर रहा हूँ, बट दोस्तों आपके सामने एक अनबॉक्सिंग वाली दोस्तों अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि अनबॉक्सिंग में दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर रहे हैं कवर की, तो हमें एक बैक केस मिलता है, ये देखिए, जो मैंने यूज कर लिया था तो ये थोड़ा पीला पड़ गया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट जो बैक कवर होते हैं दोस्तों वो थोड़े पीले पड़ जाते हैं यूज करने के बाद। ये एक बैक कवर मिलता है हमें, ये डिवाइस है, ये मैं आपको साइड में रखता हूँ इसको। और दोस्तों जी है इसके कुछ पेपर बस, इसके फ़ोन के बारे में इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। जी दोस्तों इसका बिल है फ़ोन का। जी है दोस्तों इसका डाटा एडाप्टर, जो दोस्तों 22 वाट का है। और ये दोस्तों इसकी डाटा केबल, ये देखिए, ये दो सी टाइप डाटा केबल है, ये देखिए। और दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हमें और कुछ भी नहीं मिलता, ना ही दोस्तों आपको कोई हेडफोन मिलता है और ना ही कुछ और मिलता है। तो ये सब मैं साइड में रखता हूँ, आ रहा हूँ मेन फ़ोन की तरफ। दोस्तों जी है मेरे पास दोस्तों देखिए Redmi Note 10T 5G, जिसमें दोस्तों आपको मेड इन इंडिया का लोगो मिलता है लगा हुआ। और ये मेरे पास इसका ग्रीन कलर है। सबसे पहले बात करता हूँ इसके बैक पैनल की। दोस्तों ये प्लास्टिक का बैक पैनल है ना दोस्तों, ये ग्लास है और ना ही कुछ, ये दोस्तों एक प्लास्टिक है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का बैक केस इसमें देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो एक दोस्तों जो 3 कैमरे दिए गए हैं। इसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो है 48 MP का, दूसरा है दोस्तों 8 MP का और तीसरा कैमरा दोस्तों 2 MP का है। ये इसकी फ्लैश लाइट है। और दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.5 इंच की दोस्तों इसमें डिस्प्ले दी गई है। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से 6.5 इंच डिस्प्ले है इसमें। और इसके दोस्तों डिस्प्ले में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है इसके फ्रंट में। बैग में दोस्तों कोई प्रोटेक्शन देखने को मिलती, क्योंकि दोस्तों बैग में दिया गया है प्लास्टिक का बैक केस। और दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है वो दोस्तों डिस्प्ले के अंदर दिया गया है पंच होल वाला, जो दोस्तों 8 MP का है। इस साइड दोस्तों एक ये वॉल्यूम अप डाउन बटन है और जी दोस्तों इसका पावर बटन। और इसी के दोस्त अंदर दोस्तों आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस साइड बात करूँ दोस्तों तो इसमें मिलती है आपको जो एक ट्रे, सिम ट्रे, जिसमें दोस्तों आप या तो 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये दोस्तों हाइब्रिड सिम स्लॉट है। नीचे की तरफ दोस्तों जो दी गई है चार्जिंग पोर्ट सी टाइप पोर्ट दिया गया है। और जी इसका स्पीकर और जी इसका माइक। ऊपर की साइड दोस्तों आपको 3.5 mm जैक दिया गया है। और जी है दोस्तों इसमें आपको दिया गया दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन माइक। इसमें दोस्तों IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों हमें और फोन में देखने को मिलता है Redmi के में, बट दोस्तों इस फोन में आपको IR ब्लास्टर जो है दोस्तों देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों मैं इसे ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके फीचर्स
फीचर्स के बारे में कि इसमें दोस्तों हमें अंदर क्या क्या मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन मैंने पहले ही सेटअप कर दिया है, तो मैं आपके सामने इसको ऑन करता हूँ और फिर दोस्तों आपको इसके दोस्तों जो फीचर हैं और दोस्तों कैमरा कैसा है, क्या क्वालिटी है, वो सब मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। दोस्तों देखिए 5G का लोगो बना हुआ आ गया फ़ोन के ऊपर और इसमें दोस्तों आपको मिलता है MIUI 12.5G का दोस्तों वर्जन लेटेस्ट वाला, जो दोस्तों Redmi की तरफ से लेटेस्ट है। दोस्तों देखिए 90 Hz रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा चलता है, बट दोस्तों इतना खास नहीं है। चलता हूँ दोस्तों सेटिंग के अंदर। तो ये देखिए इसमें आपको मिलता है MIUI ग्लोबल का 12.5 वाला, इसमें दोस्तों अपडेट आ जाएगा। अभी दोस्तों मेरे फ़ोन में सिर्फ 12.0 मिल रहा है, लेकिन इस फ़ोन में काफ़ी लोगों के पास 12.5 वाला अपडेट आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैमरा, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इसका कैमरा ज़्यादा खास नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी आती है, फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं फटता। दोस्तों JR Redmi का Note 10T जो दोस्तों मैंने लिया है 16,999 रुपये का अमेजन से, और दोस्तों ये फ़ोन आपको आपकी मार्केट में भी मिल जाएगा। अगर आपके पास आसपास कहीं अच्छी शॉप है तो आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हो, और दोस्तों अगर आपको वो ज़्यादा पैसे ले रहा है आपसे तो आप इसे ऑनलाइन ही खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की प्राइस दोस्तों इस फ़ोन की सेम है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों ये जो फ़ोन है ये 17,000 रुपये का है, 6GB और 128GB वाले वेरियंट, जो कि दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। इसका ऑनलाइन खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और अगर ये फ़ोन आपके आसपास नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।